लेकिन थ्योरम नंबर 5 तक आने से पहले पहले आपने थ्योरम नंबर 4 को अच्छी तरह रीड कर लेना है। क्यों? अगर थ्योरम नंबर 4 की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है तो थ्योरम नंबर 5 लेफ्ट से राइट की तरफ, कन्वर्स ऑफ अ थ्योरम नंबर 4। प्रीवियस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, ये जरूरी है आपके लिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो यहां मुझसे मे भी स्किप हो जाए तो आप थ्योरम नंबर 4 की वीडियोस को मुकम्मल तौर पर जरूर देखिएगा। व्हाट पोजीशन है 9A, अगेन मार्क्स 8। नाउ योर पेज नंबर 214, क्लास 9, लेक्चर नंबर 6, रेलेवेंट टू द चैप्टर नंबर 12। नाउ फर्स्ट वन स्टेटमेंट, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, ठीक है जनाब, पॉइंट डॉट भी आप अगर मैथ की लैंग्वेज इस्तेमाल ना करो तो डॉट, लेकिन अगर मैथ में आ रहे हैं तो एनी पॉइंट, कहां इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंस, कोई भी इनसाइड एन एंगल, एंगल को हमने डिफाइन किया था थ्योरम नंबर 4 में लास्ट में है। अब एंगल क्या है? टू रेज है, कॉमन एंड पॉइंट दैट इज सेड टू बी अ वर्टेक्स। अब इनके नेम मेंशन कर ले हम लोग, जो बुक पे नेम है प्लीज प्लीज उसी को फॉलो कीजिएगा। कॉमन एंड पॉइंट दैट इज ओ, क्योंकि इसका एंड पॉइंट नहीं होता, एंड पॉइंट को हम मार्क करने के लिए हल्का सा कट लगाते हैं, दैट इज अ ए एंड दिस वन इज अ बी, ए ओ बी एनी एंगल, डायग्राम आपने बना ली। अब नेक्स्ट है इनसाइड, कोई भी इनके दरमियान एक पॉइंट ले लें, इनसाइड एन एंगल देयर इज अ पी, देयर इज अ पी, ये पॉइंट आ गया आपका पी। पी हमने एक ऐसा पॉइंट लिया है जो के एंगल के इनसाइड है, क्लियर हो गया। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, और ये इसके आर्म से इक्वल फासले पर मौजूद हो। अब जब भी डिस्टेंस आएगा इसका मतलब परपेंडिकुलर होगा, यहां आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, और इसी तरह यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। अब जहां परपेंडिकुलर ड्रॉप होता हुआ आर्म को इंटरसेक्ट करें, इनके नेम रखें, दैट इज आर एंड दिस वन इज अ क्यू। अब उन्होंने कहा है इक्विडिस्टेंट है, यानी कि बहम एक फासला रखते हैं, तो आपको हल्का सा यहां एक कट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है पी आर इक्वल टू पी क्यू। डायग्राम को देख लें और यहां तक सिर्फ फॉर्म इफ आर्म तक आ लें। प्रूफ क्या करना है? इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, कि वो एंगल के पॉइंट जो पी है वो एंगल ए ओ बी के बाइसेक्शंस पे, बाइसेक्टर्स पे मौजूद है। बाइसेक्टर्स के लिए अगेन आप एक रे जो है डेवलप करनी पड़ती है। फिलहाल यहां तक जो आपने बनाया है वो मैं यहां लिख लूं। नाउ गिवन क्या है? गिवन अगर थ्योरम नंबर 4 है तो थ्योरम नंबर 4 का जो प्रूफ ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो गिवन में आ जाएगी। गिवन पी इज एनी पॉइंट, आप इसमें देखें पी एनी पॉइंट, पॉइंट सच दैट पी आर कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। अब पी आर क्या है? एंड पी आर परपेंडिकुलर किस पे है? ओ बी, ओ ए पर, एंड या कोमा पी क्यू परपेंडिकुलर किस पे है? ओ बी पर। ये तमाम जो आपने लिखा, जो मैंने बोला, वो आपने इसके ऊपर लिख लिया। देखिए इसे एक दफा प्लीज, पी इज एनी पॉइंट आ गया,
इस तरह का हमने पॉइंट लिया जो कि वो ये कह रहा था कि उसके आर्म्स के इक्वल फासले पर है, वो हमने लिख लिया, और चूंकि फासले पे परपेंडिकुलर है ये भी 90 होगा, ऑब्वियस ये भी 90। प्रूफ क्या करना है हमने कि ये पॉइंट पी जो है वो बाइसेक्टर पे मौजूद है, पॉइंट पी किस पे है, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ किसके बाइसेक्टर के, एंगल के, एंगल क्या है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, दैट द फुल स्टॉप। गिवन प्रूफ कंस्ट्रक्शंस क्या है, कंस्ट्रक्शंस ये है क्योंकि बाइसेक्टर्स पे है, हम अपने आसानी के लिए क्या करेंगे, ज्वाइन पी टू ओ, और याद रखना कंस्ट्रक्शन जो है वो हमेशा डॉटेड लाइन पे, यहां आप लिखेंगे ज्वाइन ज्वाइन पी टू ओ, दैट द वर्टेक्स, दैट द, क्लियर हो गया। एक दफा इसे पढ़ ले, कहां एंगल है, पी पॉइंट क्या है, प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या करना है, प्रूफ और गिवन अगर इंटरचेंज कर दिया जीरो मार्क्स है, इसी तरह मेमोराइज में लेके आए, डायग्राम को भी मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर मैंने आपको बताया, एंगल्स बाइसेक्शन। नाउ अब हम जाएंगे स्टेटमेंट की तरफ, लेकिन एक दफा बुक का सहारा ले लीजिएगा प्लीज, पेज नंबर 214, ये देख ले अल्फाबेट वही है, यहां से वहां तक जाने से पहले अब फिर आप इसकी ट्राइंगल्स में देख ले, टू ट्राइंगल्स हैं, एक अपर ट्राइंगल और एक ये लोअर ट्राइंगल, मेंशन कर रहा हूं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, आपने बोर्ड में मेंशन नहीं करना, डायग्राम जो है आपने पेन से बनाना है, लेड पेंसिल से नहीं बनानी। ट्राइंगल है, अपर ट्राइंगल को हम देखें, नाउ ट्राइंगल पी ओ आर क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल पी ओ क्यू, यानी कि पोजीशन देख ले पी ओ आर एंड पी ओ क्यू। अब आपने इसको क्रॉसपोंडेंस को कंकरेंसी में बदलना है, पास्टुलेट यूज करने हैं। अब जो गिवन है वो पहले देख ले, गिवन में वो कह रहा है कि पी आर जो है वो पी क्यू के इक्वल है, तो लिख देंगे पी आर कंकरेंट टू पी क्यू, यानी कि जितना डिस्टेंस यहां है उतना ही डिस्टेंस ये हो गया, यहां आप लिख लें गिवन एक साइड हो गई, दूसरा एंगल आप चेक कर लीजिएगा, नजर आ रहा है एंगल आपको 90 का ये भी है 90 का ये है, जिस पे एंगल आना है उसको आप देख लें, साइड भी चेक करें, हाँ हाँ वो भी आपको चले वो कर लें, अगर आप कह रहे हैं ओपी, ठीक है ओपी कंकरेंट टू ओपी, दैट्स अ कंस्ट्रक्शन भी है, कॉमन भी है, आपने कंस्ट्रक्शन भी किया, कॉमन भी हो गया। थर्ड एंगल ले आए पी आर ओ 90, एंगल पी आर ओ कंकरेंट टू पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक और पास्टुलेट भी है एच एस, यानी हाइपोटेन्यूज साइड, क्योंकि अब वो तमाम चीजें कवर हो गई हैं, एक एंगल दो साइड्स, तो लिहाजा आप इसको क्रस्पोंडेंस को कंकरेंसी में बदल दें, हेंस या देयरफॉर ट्राइंगल पी ओ आर वही सारा कुछ, क्रस्पोंडेंस ट्राइंगल पी ओ क्यू, क्या किया क्रॉसपोंडेंस कन्वर्ट इनटू अ कंकरेंसी। अब फ्री हैंड है कि जो ये पूछना चाह रहा है, ये कहने चाह रहे हैं बाइसेक्टर पे मौजूद हैं, तो यहां आप लिख सकते हैं, या आप एंगल को भी ले सकते हैं, या सिंपल यही वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, देयरफॉर पी इज
ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। दैट्स अ प्रूफ। यहां आप लिखें तो ये एच एस का आप रेफरेंस दे दें, ज्यादा आसान है। आखिर में आपने रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट में यही आपने हेंस प्रूफ एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ एन एंगल, ये सारे का सारा आपने यहां लिख देना है। तो नहायत आसान थ्योरम नंबर फिफ्थ एक दफा रीड कर लें। थ्योरम नंबर फिफ्थ में स्टेटमेंट देखें, गिवन देखें, प्रूफ देखें, डायग्राम्स कोई इसमें डायग्राम्स पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और कोई भी टेढ़ी मेरी डायग्राम नहीं बनानी है। प्लीज पोलियो फ्री डायग्राम बनाइएगा और स्टेटमेंट और रीजन पे आ जाएं। दैट्स 8 मार्क्स, 100% 8 मार्क्स हैं और इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मत भूलिएगा, मत भूलिएगा। स्टे इन टच, अल्लाह हाफिज़।